क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन में कहता है कि सीजियम एंड फ्लोरीन बोथ रिएक्ट वायलेंटली, और रीजन है कि सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो 54 का आंसर क्या होना चाहिए? देखो सीजियम पहले ग्रुप का होता है, पहले ग्रुप में क्या होता है, ये है आपका हरी लाल ने की रब से फरियाद, तो ये सी एस है, सी एस सीजियम, सीजियम फर्स्ट ग्रुप का लास्ट मेंबर होता है। एंड फ्लोरीन तो आपको पता है, यहाँ से आप आगे जाओगे तो फ्लोरीन ये 17 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर होता है। तो फ्लोरीन और सीजियम, तो कहता है कि ये क्या होते हैं, बोथ रिएक्ट्स वायलेंटली, बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं। रीजन क्या है कि सीजियम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जबकि फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यस सर। हाँ, कौन सा आंसर करोगे, ए बी सी डी? बोथ रिएक्ट्स वायलेंटली, ओके, एंड सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। सर ऑप्शन बी, ए ए सी। देखो क्या होता है, ओके सर, सीजियम जो होता है, सीजियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाईएस्ट होती है, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो दोनों के दोनों रिएक्शन फास्ट होती है। तो रीजन क्या है कि एक बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एक बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसीलिए ए इज द राइट। ओके सर, ठीक है। अब 55 क्वेश्चन, फ्लोरीन हैज, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, देखो ये फ्लोरीन हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन, और रीजन क्या कहता है, देखो कि देयर इज अ रिलेटिव ग्रेटर इफेक्टिवनेस ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन इन द स्मॉल फ्लोरीन एटम टू रिपेल द एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द एटम देन टू 3p इलेक्ट्रॉन इन द लार्जर क्लोरीन एटम। ये मैंने अभी आपको एक रीजन बताया था, तो ये उसी से। yes, sir. तो बताओ सर, assertion तो wrong है। हाँ। And reason is correct, professor. नहीं, इसमें दोनों करेक्ट है, ए है इसका भी। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि जो क्लोरीन होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है फ्लोरीन से, यानी कि अब हम इसको नेगेटिव वैल्यू में काउंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि जो फ्लोरीन होती है उसकी लेस नेगेटिव वैल्यू होती है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। अगर फ्लोरीन की ज्यादा है तो उससे ज्यादा हीट निकलेगी बाहर, ठीक है। तो सपोज इसकी -100 है, तो क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा किस सेंस में, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, ध्यान रखना ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। वैसे दिखने में क्या लग रहा है, क्लोरीन की वैल्यू कम है, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे स्टम्प्स में नहीं कहते, क्योंकि माइनस का सिर्फ काम क्या है, माइनस का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसमें 100 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें 50 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या होगा कि जो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है उसकी वैल्यू ज्यादा मानी जाती है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसीलिए क्लोरीन ज्यादा ज्यादा नेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन हैज अ लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रीजन क्या कह रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, फ्लोरीन में क्या होता है, 2p इलेक्ट्रॉन होता है, और 2p इलेक्ट्रॉन का साइज छोटा होता है, 2p ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है, देखो स्मॉल हो गया, अब छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा होती है, तो जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन है जिसे एक्सेप्ट कर रहा है वहां पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, ये एंट्रिंग करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिपल्सन होता है वो ज्यादा हो जाता है, रिलेटिव ग्रेटर इफेक्टिवनेस, या यहाँ पे इसको रिपल्सन भी बोलना चाहिए था,
ठीक है, वो ये देखो रिपेल कहीं पे लिखा हुआ इसने, हाँ ये देखो रिपेल, टू रिपेल द एडिशन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एडिशन यहाँ पे ऐड होगा उसमें रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन में, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास है, सेवन इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल पास पास है, तो जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन उसको एंटर नहीं करने देगा, तो इसकी वजह से क्या होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, और फ्लोरीन क्लोरीन का साइज ज्यादा बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन आराम से एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, फ्लोरीन में 2p है साइज छोटा है और 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगे yes, और क्लोरीन है उसमें साइज बड़ा है और ये 7 इलेक्ट्रॉन लगे हो, तो इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे, तो इसमें रिपल्सन नहीं होगा yes, कम हो जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजिली क्या होगा एक्सेप्ट हो जाएगा, इसीलिए जो क्लोरीन होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बोथ एसर्शन और रीजन इज करेक्ट एंड परफेक्ट रीजन। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके देते हैं वो, लेकिन जो हिसाब से माना मान लिया जाता है उस हिसाब से हम वो करते हैं, तो ये 55 हो गया है, अब 56 में आता है, तो अब आपका केमिस्ट्री है क्या बस, केमिस्ट्री है सर एंड हिंदी, हिंदी है कब सर, कल, अच्छा कल हिंदी है, यस सर, चलो तो कल एक काम करो कल पढ़ो, कल के लिए करो, कल मैं आपको 1 से 1.5 घंटा दे दूंगा इसमें, ठीक है, और पहले ये सीट ओके सर, इस सीट को पूरी कंप्लीट कर देना, जहां जहां डाउट होंगे वहां करेंगे तो टाइम कम लगेगा, ऐसे में आपको yes, इसके 2-3 शीट दे दूंगा आपको, तो कल ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, फिर हमारे पास बचेगा okay, केवल केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है, और कौन सा चैप्टर बचेगा सर, इसमें तो सर 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, अच्छा इसमें 2 ही हैं बस, यस सर, जो हमने कर लिए है पहले ही, हाँ तो कोई बात नहीं, तब तो हम आराम से इसको डीपली पढ़ लेंगे ना जितना है, यस सर, हाँ तो क्वेश्चन आंसर करते हैं, और रीजन ध्यान रखना क्योंकि रीजन ही आएगा उसमें ज्यादातर, ठीक है, यस सर, आज भी मेरी रीजन में ही गलती गई बहुत सारे, हाँ मैंने आपको पहले ही बोला था रीजन रीजन को सही कर लो, क्योंकि रीजन, यस सर, कितने मार्क्स आ रहे हैं आज सर, आज आ रहे 33, कितने में से